हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। दिस इज योर बॉय वरुण तना द फ्रेश न्यू वीडियो। सो आज है सेकंड डे और अभी हम लोग आए हैं तारकरली बीच के पास में। सो यहाँ से हम लोग को बोट है, वो बोट पिकअप करके हमें अगले लोकेशन पे लेके जाएंगी। वहाँ से एक हम लोग को स्कूबा डाइविंग करना है आज, उसके बाद में एक सुनामी आइलैंड है वहाँ जाएंगे, एक माउंटेन रॉक है, मतलब सब आपको बताऊँगा, मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर रुके हम लोग नाश्ते करने के लिए, तो यहाँ पर नाश्ता करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कल तो हम लोग सिर्फ मंदिर वगैरह गए थे, तो वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं किया जितने मैंने मंदिर किया, क्योंकि लास्ट में जो मंदिर था वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरी पूरी बैटरी ये लो हो गई। और प्रॉब्लम ये हुआ कि कल मैं ट्राईपॉड भूल गया और कैमरा, मैंने सिर्फ वीडियो कुछ कुछ ऐसे बाहर से निकाले, मेरे को ब्लॉग करना था कैमरे में तो वो रह गया मेरा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं वीडियो हमारे डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन नहीं बोल सकते, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये है तो यहाँ पे बोट है, यहाँ से हम ये बोट लेकर दूसरे आइलैंड पे जाएंगे। अभी हम लोग सुनामी आइलैंड पे आए और ये पूरा आइलैंड पानी के ऊपर है। ये नया एक्सपीरियंस है ये सुनामी आइलैंड का, पानी के बीचों बीच सारे होटल्स हैं, पूरा ये आइलैंड है उसके अंदर। तो भाई साहब ये अलग है, मतलब पानी एकदम ठंडा है, गुड़गे तक पानी है, घुटने तक पानी है। हिंदी मराठी सब है अपना इसमें। चलो भाई फुल मजे है इधर। किल्ला
अच्छा तो गाइस अभी हम लोग ये पूरा बोट टूर करके आए जो आप लोगों ने अभी देखा। तो इसके बाद में हम लोग अभी यहाँ पे राइड से करेंगे, यहाँ पे तीन चार राइड है जो हम लोग साथ में करेंगे। तो बनाना राइड, डोनट है, उसके बाद में पैरा सीलिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग उतर रहे हैं और ये जो टूर था पूरा बीचेस, उसके बाद में गोल्डन रॉक्स वगैरह जितना भी सब कुछ देखा आपने, इट्स लाइक बहुत अमेजिंग है ये मालवन में, ये मालवन की ट्रिप। तो आगे आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहिए, यहाँ पर धूप थोड़ा ज़्यादा है तो आपको दिखा जाए। सो गाइज अभी हम लोग पूरा राइड्स वगैरह करके आए, पहले बोट पे गए थे, उसके बाद में हम लोग ने राइड्स किया, चार राइड था, क्या बनाना राइड किया, उसके बाद में जेट स्की किया और बम्पर किया और पैरासीलिंग वगैरह सब कुछ किया। तो हाँ राफ्टिंग कायो खेला। सो उसके बाद में हम लोग जा रहे स्कूबा डाइविंग के लिए। सो जो राइड्स थे उसमें फोटो नहीं निकल पाए बिकॉज वाटरप्रूफ कैमरा किसी के पास नहीं है और हम लोग अमीर आईफोन लेने के लिए, वही तो आईफोन नहीं अपने पास, तो हम लोग ने कोई शूट नहीं किया उधर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूबा पे और यहाँ पे वो लोग वीडियो निकल के देंगे तो वो एक अच्छी बात है। सो स्कूबा यहाँ से बस सामने 200-300 मीटर दूरी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं।